अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने अपने निवास पर लोगों के लिए जनता दरबार लगाया, जिनमें अम्बाला वासियों की सभी समस्याओं को सुना गया। अम्बाला की जनता की ज्यादातर समस्याएं पानी की निकासी व गली बनाने को लेकर थी, जिस पर विधायक ने लोगों को ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक असीम गोयल ने बताया कि जन सुनवाई का काम सोमवार व मंगलवार को किया जाता है। अम्बाला विधानसभा की जनता की समस्याओं के निर्देश जारी होते हैं। विधायक असीम गोयल को हिमाचल जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से असीम गोयल ने जनता दरबार लगाया ताकि अम्बाला की जनता को कोई समस्या न आए। देखिए, वैसे तो हम जन सुनवाई कार्यक्रम के नाते हर सोमवार और वीरवार को मेरा खुद का प्रयत्न होता मैं बैठूं, वरना मेरे कार्यालय के अंदर कोई ना कोई जिम्मेवार आदमी जरूर बैठते हैं। और रूटीन में जो मेरे विधानसभा की अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी जरूरी निर्देश यहाँ से जारी होने होते हैं, तो सहायता के नाते जो भी हो सकता है हम करते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ संगठन के आदेश के नाते मैं हिमाचल प्रदेश में कुछ समय ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसलिए आज विशेष रूप से समय नियत किया था कि जो अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता है उनको इधर उधर ना घूमना पड़े। और अधिकारियों को कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल कुछ होने वाले काम होते हैं उसके लिए भी कई बार परेशान होना पड़ता है, कुछ और समस्याएं होती हैं टेक्निकल दिक्कतों की वजह से जो रुके होते हैं काम, तो आज कोशिश की है लोगों को राहत महसूस हो। असीम गोयल ने SYL के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने एक मुहावरा याद कर रखा है कि केजरीवाल की जन्मभूमि हरियाणा है, कर्मभूमि दिल्ली है और धर्मभूमि पंजाब है। केजरीवाल अपने धर्म को बदल सकते हैं और हरियाणा का पानी दिल्ली को जाता है, लेकिन दिल्ली की जनता को केजरीवाल से पूछना चाहिए कि उनके हिस्से का पानी कम क्यों मिल रहा है। हरियाणा जिस तरीके से दिल्ली को पानी दे रहा है, उसी तरीके से पंजाब को भी हरियाणा को पानी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL को पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ वोटों की फसल बटोर रहे हैं और जहां जहां चुनाव होंगे वहां वोटों की फसल बटोरे जाएंगे। मुहावरा पड़ा है, गंगा गए गंगादास, यमुना गई यमुनादास। तो जहां जाते हैं वहां की बोली बोलते हैं, उनको ना अपनी मातृभूमि, ना कर्मभूमि, ना धर्मभूमि के नाते। वो कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, मेरी कर्मभूमि दिल्ली है, और अब वो बार आगे कह देते हैं मेरी धर्मभूमि पंजाब है। मतलब वो व्यक्ति जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है, जो व्यक्ति एथिक्स के ऊपर नहीं रहता, उसके बारे में बात करना मैं समझता हूँ बड़ी जल्दी उनका चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा। दिल्ली का पानी, क्योंकि जब हरियाणा में पानी आएगा तो हरियाणा से दिल्ली को ही जाएगा, और दिल्ली ने उनकी राजनीति को नर्स किया है। सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमारे हिस्से का पानी कम क्यों पहुँच रहा है। ये तो हरियाणा एक बड़े भाई की भूमिका के नाते दिल्ली को पानी दे रहा है, लेकिन पंजाब को भी हरियाणा के साथ बड़े भाई की भूमिका दिखानी चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। और आज अगर वो बात करते हैं, अल्टीमेटली पंजाब में तो उनकी सरकार है, केंद्र सरकार भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहे हैं कि SYL का पानी जो है मिलना चाहिए, तो वो पहल क्यों नहीं करते। लेकिन वहाँ पर ये सब दरअसल फसली बटेरे हैं, ये वोटों की फसल बटोरने के लिए आते हैं। और जहाँ 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 भी चुनाव होंगे वहाँ पे, अब मान लीजिए इन्होंने कहा जी मैं 1000 रुपया, सबसे पहले दिल्ली में कहा मैं दूंगा महिलाओं को, फिर पंजाब में कहा कितनी महिलाओं के पास, बहनों के पास वो फायदा है, अब जाके गुजरात में उरागला अपना शुरू कर दिया, कल को हरियाणा में चुनाव आएंगे। मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने मुहावरा बहुत बढ़िया पढ़ रखा है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, कोई झूठ बोलने में और ड्रामा करने में, नौटंकी करने में उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो मैं उनको गंभीर राजनीतिज्ञ समझता ही नहीं, दरअसल शातिर, मतलब मैं कहूँगा राजनीति शब्द उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, मतलब कपट का एक पूरा आवरण, लोगों को किस प्रकार से बहलाना फुसलाना है उसमें उनकी PhD है और उसी नाते काम करते हैं, उनका स्टाइल है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने पर असीम गोयल बोले कि इसका रुझान गोवा में आना शुरू हो गया है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने ही शुरू की है। असीम गोयल ने कहा कि मेरी तरफ से राहुल बाबा इसी तरह से काम करते रहें और उनकी आयु लंबी हो। राहुल गांधी ने अभी दक्षिण से उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और उसका बड़ा जल्दी रुझान गोवा में उनका आना शुरू हो गया। मुझे लगता है जब तक वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचेंगे आधी कांग्रेस को वैसे ही खा जाएंगे। तो इधर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, इधर कांग्रेस टूटो यात्रा शुरू हो गई है, और वो किसी ने नहीं शुरू की, अपने आप से, क्योंकि राहुल गांधी को खुद पता चलता है, वो इसलिए अध्यक्ष नहीं बन रहे, उनको भी समझा रहा है कि मैं अध्यक्ष बन के कांग्रेस को रसातल में ही ले जा रहा हूँ। और मेरी तो देखिए शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो काम करता ही करता है, लेकिन राहुल गांधी के
का मेहनत भी इसमें कम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। तो हम तो चाहते हैं कि राहुल बाबा की उम्र जो है 100 साल तक रहे और राहुल बाबा ऐसे ही भारत जोड़ो, क्योंकि उनके एक प्रवक्ता ने तो भारत तोड़ो यात्रा खुद लिखा था, तो मतलब तो उनका मन का क्लियर ही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर राष्ट्र को एक करने के लिए एक राष्ट्र का नारा दिया और राष्ट्र प्रथम का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको भी लगा कि भाई लोगों में जाने के लिए कुछ भारत जोड़ो कुछ ऐसी भारी भरकम नाम रखना चाहिए ताकि लोगों के बीच में हमारी प्रेजेंस उपस्थित रहे। बाकी मुझे, मैं राहुल बाबा को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, वो ऐसे ही काम करते रहें, भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहें और कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता, कांग्रेस मुक्त भारत का सबसे बड़ा सपना अगर कोई पूरा करेगा तो राहुल गांधी जी का उसमें अहम योगदान।